मेरा साहिब, जग में महान है। तेरे चरणों में मेरी जान है, मेरा साहिब सत्य समान है। मैं बंदगी साहिब की करूं, मेरा साहिब ही भगवान है। साहिब जग में महान है। साहिब बंदगी साहिब, साहिब बंदगी साहिब, साहिब बंदगी साहिब, साहिब मेरा साहिब। एक बार उड़ीसा से 10-12 ब्राह्मण लोग मेरे पास आए, उनको हिंदी कम आती थी लेकिन मुझे थोड़ी बहुत उड़िया आती थी। मैं फौज में था, वहाँ उड़िया लोग भी मेरे साथ थे। मैंने उनसे पूछा, टूटी फूटी उड़िया में पूछा, कैसे आना हुआ। उन्होंने बताया कि हमारे गांव का एक आदमी था, आपके साथ फौज में था, वो बड़ा क्रूर था और बड़ा हिंसक था, बड़े गलत काम करने वाला था। हम सभी लोग उससे बहुत परेशान थे। दूसरे गाँव में भी जाकर वो घटनाएँ करता था, हमें शर्मिंदगी महसूस होती थी। सब पूरा गाँव, हम सब मिलकर उस आदमी से बड़े परेशान थे। लेकिन कुछ दिनों से, 1-1.5 साल से हम उसमें एक परिवर्तन देख रहे हैं। अभी उसने ये सब काम छोड़ दिए हैं और गंदगी, बदमाशियाँ, खाना पीना, शराब आदि, बलात्कार करना पहले उसका पेशा था, उसने ये सब चीज़ें छोड़ दी और अभी नेक रास्ते पर चला, उपदेश करने लगा। तो हमने उनसे पूछा कि भाई ये बात क्या हुई। उन्होंने कहा मैंने गुरु धारण किया है, उसके बाद हमने ये सब चीज़ें छोड़ दी। तो हमारे अंदर विचार आया, इतना क्रूर आदमी जो इतना बदल गया तो ज़रूर किसी गुरु से की दीक्षा पाकर कुछ बात होगी उनके पास, इतने क्रूर आदमी को बदल दिया। इसलिए महाराज उससे प्रेरणा लेकर हम आपके पास आए, उसका बदलाव देखकर। देखा, आध्यात्मिकता आदमी को प्रेरित करती है। कई आप में से भी लोग इसलिए मेरे पास आए होंगे, जिनको मैंने दीक्षा दी उनका परिवर्तन आपने पढ़ा। तो ये चीज़ें होती हैं। और जो लाल हैं वो गुदड़ी में भी दिखाता है, ये ज़रूरी नहीं कि उसे सुंदर संदूक में रखा जाए तभी लाल की पहचान हो जाती है। इस तरह से अध्यात्म दृष्टि में जान जगत में जब हम एक पूरे गुरु के सानिध्य में जाते हैं तो स्वाभाविक हमारे पास ये सत्ताएं आती हैं, ये शक्तियाँ हमसे जुड़ती हैं और गुरु आपको बदल देता है। गुरु पारस गुरु परस हैं, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान कबीरा, तो भी सस्ता जान। मैंने लोगों से कहा चेक कीजिए क्या आप में ये परिवर्तन हुए हैं, अगर नहीं हुए तो ये कुल मर्यादा को त्याग करके आप यथार्थ में एक पूर्ण गुरु की खोज करो, वो पूर्ण गुरु तुम्हें यथार्थ में बदल देगा। गुरु को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भ्रंग को, कर ले आप समान आदि शब्द ऐसे निरर्थक नहीं है, इनके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। साहिब ने ऐसा कोई भी शब्द फिजूल नहीं बोला है, हर एक शब्द सार और तत्व युक्त है। इसलिए गुरु ये जब 5 चीज़ें करता है उसको मुक्त कर देता है। करूँ निज सम अहम है, वो अपने समान ही कर देता है, आपको बदल देता है। लेकिन कभी कभी आपको कुछ समस्याएं भी आएगी। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक परिवार में 3-4 बड़े ऑफिसर थे, सभी भाई। एक डॉक्टर था, एक इंजीनियर था, एक कोई और वीडियो वगैरह था, 4 ऑफिसर थे। वो लोग चारों मेरा प्रचार करते थे। एक दिन मुझे कहा महाराज हमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैंने कहा भाई क्या। बोला हम दावे से आपकी बात लोगों में करते हैं कि भूत प्रेत वगैरह इन अनात्म भक्ति अनार्य भक्तियों को मत करो। तो महाराज बात यह है कि हम वहाँ कमज़ोर हो जाते हैं क्योंकि वो हमें कहते हैं भाई तुम्हारी माँ खुद जब कोई बच्चा बीमार हो जाता है सयाने चेलों को तांत्रिकों को बुलाती हैं और कहीं आपकी बीवी बीमार हो गई या पशु बीमार हो गया तो ढोल कूटने वाले पहुँच जाते हैं, हत्या ब्रह्म आदि ये मानते हैं। तो गुरुजी बात यह है हमारा पिता बचपन में चला गया था और हमारी माँ ने ही हमारी परवरिश की है। हम माँ के सामने कुछ बोल नहीं पाते हैं, माँ हमारे लिए आदर्श है, उन्होंने हमें इस तरक्की दी और हमें पढ़ाया लिखाया, हम माँ के आगे ज़बान नहीं खोलते हैं। लेकिन माँ रूढ़िवादी नीतियों पर चलती है इसलिए हमारी ज़बान कमज़ोर हो जाती है। जब हम बाकी को कहते हैं कि ये सब छोड़ करके भक्ति में जुड़ो वहाँ हम कमज़ोर पड़ जाते हैं, ऐसी कृपा करो माता जी को भी जोड़ो। संयोगवश थोड़े दिन बाद उनके घर प्रोग्राम था, मैं गया, वो माता भी मिली, लड़के ने इशारा किया यही माता है। मैंने माता जी को कहा माता जी आप भी भक्ति में जुड़ो।
बोला महाराज हम आपकी बड़ी इज्जत करते हैं, आपके गुण आपकी चीज़ें अच्छी हैं, हमारे बच्चे नाम लेने के बाद बहुत अच्छे हो गए हैं, लेकिन महाराज हमें ये दिक्कत है, आप कहते हैं कुलदेव तो को नहीं माना, तो कभी हमारे पुरखों से मानते आ रहे हैं और जब कुल देवते को नहीं मानेंगे रक्षा कौन करेगा फिर हमारी। हमने कहा भाई देखो माता, देवी देवल जगत में कोटिक पूजे कोए, सदगुरु की पूजा की है सबकी पूजा होए और नामदान के बाद में गुरु की ताकत आपकी सुरक्षा करेगी, चलो वो ठीक है। माई ने फिर कहा महाराज फिर दूसरा ऐसा है, कभी कभी बच्चों को नज़र लग जाती है दोतरुओं पोतरुओं को, तो हम झाड़ा फूंकी कराने जाते हैं, आप वो भी मना करते हैं, भला नज़र लग जाएगी तो हम फिर क्या करेंगे, आजकल नज़र टोना टोटका बहुत चल रहा है। मैं कहा चिंता न करो, अठवन पठवन दृष्टि न लागे, उलटता है घर जाई, जब गुरु नाम देता है सुरक्षित कर देता है, आपको नज़र फजर नहीं लगेगी। बोला अच्छा महाराज दूसरा आप कहते भूत प्रेतों को नहीं मानो, हमारे बड़े बुजुर्ग सौरा वगैरह बाप दादे जो भूत बन गए हैं उनकी फिर गति कैसे होगी, वो कहाँ जाएंगे, हम उनके उनके नाम से कुछ करते हैं, आप कह रहे ये भी नहीं करो। मैं बोला तारू ता इकहत्तर वंशा, मैं बोला माई जब आदमी भक्ति करता है उसकी इकहत्तर पीढ़ी तर जाती है, जब उनकी शंकाओं का निराकरण किया तो माई ने कहा तो महाराज अगर ये जिम्मेदारी आपकी है तो फिर मैं भी दीक्षा ले लेती हूँ। कहने का मतलब ये है समझाने वालों की कमी है दुनिया में, समझने वाले तो तैयार बैठे हैं, आप समझाएं ठीक से दुनिया चल पड़ेगी आपके साथ में। तो इस तरह से गुरु पूर्ण सुरक्षित करता है, पूर्ण बदलाव कर देता है आप में। गुरु समाना शिष्य में, शिष्य लिया करने बिलगाए बिलगे नहीं एक रूप दो दे। साहेब ने वाणी में कहा तारू तास इकहत्तर वंशा जो अंशा, हाँ निशंचय करे गुरु की भक्ति जो हंसा, कह रहे हैं जो गुरु भक्ति करे तारू तास इकहत्तर वंशा, यानी उसकी इकहत्तर पीढ़ी तर जाएगी। वाह भाई वाह, एक बात है हिंदू धर्म में एक नियम है, निसंतान होकर कोई भी नहीं मरना चाहता है, वजह यह है वो सोचते हैं अगर हम पितृलोक में पहुंच गए कर्मानुकूल तो अगर हमारे बच्चे नहीं होंगे तो हमें श्राद्ध और तर्पण कौन देगा, और वो पुरखे अपने वंश से ही तर्पण लेते हैं इसलिए कोई निवंश नहीं होना चाहता है। तो यानी इसका मतलब है कि मरने के बाद भी वंश अपने कुल को पाल रहा है ना, लेकिन इकहत्तर पीढ़ी तर जाती है नामदान की प्राप्ति के बाद में, ऐसा शास्त्रों में भी है। साहब ने वाणी में दिए तारू तास इकहत्तर वंशा, इकहत्तर पीढ़ी वो और बहत्तरवा खुद, बहत्तर पीढ़ी तर जाती है। इसलिए ये भक्ति कोई साधारण नहीं है, जब मनुष्य सत्य भक्ति में जुड़ता है। आज हम दुनिया में देख रहे हैं लोग भक्ति ले हैं, ठगी भी कर रहे हैं, छल भी कर रहे हैं, कपट भी कर रहे हैं, धोखा भी कर रहे हैं, 420 भी कर रहे हैं, ये कहीं से भी भक्ति नहीं है। साहब ने आह्वान किया खेलना हो तो खेलिए, पक्का हो के खेल कच्ची सरसों पैर के, खली भयाना तेल कबीरा खली भयाना तेल। अब क्या होता है कभी कभी होता है, एक आदमी मेरे पास आया बोला महाराज आपके यहाँ बहुत लोग आना चाहते हैं लेकिन थोड़े जो नियम हैं इसमें थोड़ी ढील दे दो, आज कलयुग में आदमी इन नियमों का पालन नहीं करना कर पाता है। मैं बोला भैया तुम विचार करो किस नियम में ढील दूँ, पहला मैं बोलता हूँ सत्य बोलो, तो क्या बोलूँ कभी कभी झूठ बोलो, साच बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है बाके हृदय आप। दूसरा कह रहा हूँ भैया मांस नहीं खाना, क्या इसमें क्या ढील दूँ, क्या कहूँ अंडा खा लेना, कुछ लोग अंडे को भी वेजिटेरियन में कह रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया में तो मछली को भी वेज में गिनते हैं। अरे भाई कैसे अंडा, 61 साल की उम्र में किसी पेड़ पर लटका हुआ अंडा नहीं देखा, अंडा तो मुर्गी और मुर्गे के सहयोग से बनता है। इस तरह आदमी 3 महीने तक, मनुष्य भी माँ के पेट में एक था इसलिए अल्ट्रासाउंड से लड़का लड़की 3 महीने से पहले पता नहीं चल पाता है, तो वो अंडा तो मछली के पेट से आया, रक्त और वीर्य है उसमें, बाद में वो विकसित होता है तो उसमें पंखे आ जाते हैं नाड़ियाँ आ जाती है रक्त आ जाता है, ये फ्रूट कहाँ से आया। ये लोग कुछ फिर कुछ लोग बियर, हम तीसरा हम कह रहे हैं नशा नहीं करना, तो अब क्या कहूँ बियर भी लेना वो भी तो नशा है, एक आदमी ने बियर के नशे में औरत को मार दिया, इसका मतलब नशा चढ़ाना, तो हम कह रहे हैं भाई इसमें कंस्ट्रक्शन मुझे दिख नहीं रही है। चौथा हमने कहा चोरी मत करना, अब क्या कहें कभी कभी करना या बड़ी करना या छोटी मोटी करना, नहीं भक्ति में इन चीज़ों की जगह नहीं। पाँचवा बोला पर स्त्री गमन न करना, पर नारी के रास्ते अवगुण गुण ना है, रावण के दस्तर गए पर नारी के माँ, पर नारी पहनी छुरी मत को इलाओ अंग, रावण के दस्तर गए पर नारी के संग। अभी क्या कहूँ कभी कभी चूंडी चांडी काटना बाकी छेड़ा छेड़ी कर लेना, क्या बोल लेना है, कंस्ट्रक्शन मुझे कोई समझ में नहीं आ रही है। आपको कोई सन्यासी तो बनाया नहीं, आपको एक नारी ब्रह्मचारी की बात कही जो समाज भी कह रहे हैं। और छठा बोला जुआ मत खेलना, अब क्या कहूँ तिथि त्यौहार में खेलना क्या, जुआ आज न मुआ कल मुआ, राजा नल महाराजा युधिष्ठिर आदि धर्म के अवतार थे, जुआ के कारण उनका विनाश और पतन हुआ। सातवां का ठगी बेमानी छल कपट नहीं करना, क्योंकि भक्त को ये मंजूर नहीं है, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो प्रभु कैसे आपका साथ देगा, नहीं देगा, खालिश हो जाओ।
ईश्वरी ताकत आपको पूरी पूरी मदद करेगी। तो भैया मुझे इसमें कोई कंसेक्शन की जगह नहीं मिल रही है, और मैं कह रहा हूँ एक ब्रह्म द्वितीया नास्ते, एक परमात्मा की भक्ति करना, क्या कहूँ, कभी कभी किसी और की भी करना। अरे भाई, भक्ति के दो ही आधार हैं, दो ही सोपान हैं, दो ही तत्व हैं, एक है विश्वास, एक है ध्यान। अगर आपका विश्वास अन्य अन्य चीज़ों में लगेगा, भक्ति बनी नहीं पाएगी। इसलिए भक्ति का सिद्धांत है, एक नाम को जानकर दूजा दे बहार, वेद भी कह रहे हैं एको ब्रह्म द्वितीया नास्ति। इसलिए पानी पीना, पानी पीजिए छान के, गुरु कीजिए जान के। मैंने कहा भाई इसमें कंसेक्शन की कोई जगह नहीं, 100 कपूतों से एक सपूत अच्छा, मेरे विचार से भक्ति में कहीं छल की स्थान ही नहीं है। अरे भाई फौज में अगर कोई भर्ती हुआ तो लंगड़े का कोई जगह ही नहीं है, वहाँ तो दौड़ना है, अंधे की कोई जगह ही नहीं है, फायर चलाना है, और अपना लूले लंगड़े का कोई स्थान ही नहीं है वहाँ पर। इस तरह पाप कर्मों से सदा है जिसका रहता मन मलिन, उसको सपने में भी परमात्मा नजर आता नहीं, जब तलक विषयों से ये दिल दूर हो जाता नहीं। साथ में मैं यूं भी कह रहा हूँ, फिर एक आदमी मुझे बोला, महाराज एक बात बताओ, आप चंडीगढ़ की बात है, राजस्थान भवन में मेरा सत्संग था, वहीं दीक्षा दे रहा था, तो दीक्षा के लिए काफ़ी आदमी बैठे थे। जब मैंने 7 नियम बताए तो एक बुजुर्ग खड़ा हुआ, अच्छा ऑफिसर आदमी था, मुझे कहा महाराज एक बात बताओ, 7 नियम जो आपने बताए, अगर मैं इस पर चल सकता होता तो मैं महापुरुष बन जाता था, फिर आपके पास आने की ज़रूरत क्या थी। मैं कहा वेरी गुड, चिंता न करना, इन नियमों पर चलने का आधार मिलेगा। कैसे आधार दे दूंगा, जैसे आप देखते हैं हवाई जहाज़ में जो सफ़र करते हैं तो पहले ही उद्घोषिकाएँ, एयर होस्टेस, वहाँ के कर्मचारी बताते हैं आपके सीट के नीचे जैकेट है, लाइफ जैकेट, वो लाइफ जैकेट क्या है, इमरजेंसी में अगर आपको ड्रॉप करना पड़े पानी में, या जहाज़ में आग लग गई, उतरना पड़े कहीं नदी नाले में, किसी बड़े कहीं किसी पानी में, तो लाइफ जैकेट आप लगाएं। बुक इसलिए, इसलिए कि अगर आपको तैरना भी नहीं आता है तो नहीं डूबोगे, लाइफ जैकेट आपको डूबने नहीं देगी। सिर्फ अगर आप हाथ पांव भी नहीं मारोगे तो भी पड़े रहोगे ऊपर। इसी तरह नामदान के बाद एक लाइफ जैकेट मिल जाती है, जिससे हम बुराइयों के अंदर डूब नहीं पाते हैं, वो ताकत गुरु देता है, इसके कारण से फिर हम इनसे फाइट करना इजी हो जाता है। अब लाइफ जैकेट पहनी, जो नहीं तैरना जानता है वो भी धड़ाम से कूदता है, वो भी नहीं डूबेगा। हाथ पांव हिलाए, नहीं हिलाए हाथ पांव, पड़ा तो रहेगा ऊपर, कोई ना कोई आएगा बचाव दल वाला, उसको निकाल ले जाएगा। इसी प्रकार से गुरु, अगर आप एक महात्मा आपको कह रहे हैं सब कुछ करते रहना, समझना आपको डुबाएगा, वो आपको पार नहीं कर सकेगा। कलयुग में सभी संख्या बढ़ाने में लगे हैं, शिष्यों को नहीं बता रहे हैं पाप छोड़ो, छल छोड़ो, कपट छोड़ो, अपराध छोड़ो, घूसखोरी छोड़ो, वो सोचते हैं संख्या बढ़ती जाए। मेरा ये विचार है 100 कपूतों से एक सपूत अच्छा है। इसलिए मेरा नज़रिया है क्वांटिटी पर नहीं, मेरा रुझान है क्वालिटी पर, क्वालिटी होनी चाहिए। क्या हुआ, अगर एक आदमी गुरु से नाम लेकर के दीक्षा पर चल ही नहीं रहा है तो फिर गुरु का भी तो नाम उसमें डूबा ना। अगर गुरु शिष्य और ईश्वर मिलकी ना, भक्ति विवेक तीनों तीर्थधारा बनी, आगे गंगा एक कबीरा, आगे गंगा एक गुरु समाना शिष्य में, शिष्य लिया करने बिलगाए बिलगे नहीं एक रूप देते। वैसे तो हर पूर्णिमा का विशेष महत्व है संतत्व की धारा में, और पूर्णिमा गुरु का दिन निर्धारित किया गया है शास्त्रों में। पूर्णिमा को गुरु के दर्शन का महत्व है, तो आज मैं आपसे गुरुत्व पर बात करूंगा। इससे पहले भी हमारे धर्मशास्त्रों में गुरु का महत्व है, वाणियों में गुरु का महत्व दर्शाया गया है, लेकिन संत काल में महापुरुषों ने आकर के, विशेष रूप से साहेब ने गुरु का महात्म अत्यंत सूक्ष्म और महत्वपूर्ण तरीके से दर्शाया। देखते हैं कि प्राचीन काल से गुरु परंपरा प्रचलित हैं, उसमें गुरु का महात्म कैसा है। योग में
गुरु का क्या महत्व है, और संतत्व की धारा गुरु का क्या महात्म बोलती है। ऐसे तो वेदों में भी गुरु के अस्तित्व हैं। आदमी गुरु को एक उपक्रम मानता था, गुरु को एक माध्यम मानता था, गुरु को एक गाइड और दर्शक मानता था। अगर हम आदि काल को देखें तो, ऋषि मुनियों के काल को देखें तो, उसमें गुरु का महात्म एक दर्शक का था, शिष्य को साधन ध्यान योग बतलाते थे, और कि उपासना पद्धतियां क्या हैं इसका बोध कराते थे, किस देवता को प्रसन्न करने के लिए कौन सा मंत्र उच्चारण किया जाए। खेचरी, भूचरी, चाचरी, उन्मुनी, अगोचरी मुद्राओं के जानकार गुरु लोग थे, जो साधक को योग का, ध्यान योग का महात्म बताते थे। आप देखते हैं कुछ योग गुरु हैं, वो योग का महात्म बोल रहे हैं, ठीक है। योग शरीर के लिए बहुत आवश्यक है, योग के भी आयाम है, किस उम्र में कौन सा योगासन किया जाए। गृहस्थ के लिए अलग योगिक क्रियाएं हैं, ब्रह्मचारी के लिए अलग योगिक क्रियाएं हैं, योग के आयाम है। विधिवत अगर योग किया जाए तो इसका विस्तार पूर्वक है, इसमें काफी डिटेल्स है। इसी तरह गायन है, ऐसे दुनिया में काफी लोग गा रहे हैं, इनफॉर्मल। गंधर्व वेद में नृत्य और गायन का महात्म है, जो फॉर्मल है। छह रागों से कौन कौन सी 36 रागनी उठी, और वो राग किस किस अवस्था में गाए जाए। उदाहरण के लिए राग मलकोस, राग इंडोल, श्री राग, ये जब चंद्र नाड़ी चले, इंगला चले तभी गाए जाए। राग भैरवी, राग मल्हार, राग दीपक, जब दहना स्वर चले, पिंग, जब इंडा नाड़ी चले तब राग राग मलकोस, राग हिंडोल, श्री राग, ये गाए जाएं। और जब पिंगला नाड़ी चले, राग भैरवी, राग दीप और राग मल्हा गाया जाए। हमारे शरीर की गतिविधियां स्लो होती है, और राग हिंडोल, राग मलकोस, राग श्री में लय स्लो रखनी पड़ती है। छः छः रागनियाँ, इसलिए छः राग 36 रागनियाँ होती है। गंधर्व वेद का सृजन भर्तृहरि ने किया था। चार वेद हैं, ऋग, यजुर, साम, अथर्व। चार वेदों से छह शास्त्र हैं। न्याय शास्त्र रचयिता गौतम ऋषि ऋग्वेद से निकाला, और मीमांसा शास्त्र वेदांत शास्त्र रचयिता वेदव्यास, सांख्य शास्त्र रचयिता कपिल मुनि, पांजलि शास्त्र रचयिता पांजलि ऋषि, वैशेषिक शास्त्र रचयिता कणार्द मुनि।
साहिब जग में महान है। तेरे चरणों में मेरी जान है, मेरा साहिब सत्य समान है। मैं बंदगी साहिब की करूं, मेरा साहिब ही भगवान है। साहिब जग में महान है। साहिब बंदगी साहिब, साहिब बंदगी साहिब बंदगी पांजलि शास्त्र रचयिता पांजलि ऋषि, वैशेषिक शास्त्र रचयिता कणार्द मुनि। इन्होंने उसमें वेदों की एक समरी दी। चार उपवेद हैं, आयुर्वेद, गंधर्व वेद, धनुर्वेद और अर्थवेद। वो हैं अथर्वण वेद, ये हैं अर्थवेद। आयुर्वेद के रचयिता धन्वंतरी, धन्वंतरी जी। धनुर्वेद के रचयिता विश्वामित्र जी। और गंधर्व वेद के रचयिता भर्तृहरि जी, जिसमें गायन के सभी आयाम हैं। ये रागों को जो अगर फॉर्मल तरीके से गाता है तो छह रागों का समय है। पिछले पहर राग भैरव, मलकोश जब सूर्य निकलने वाला है, राग इंडोल जब एक पहर दिन बीते, ठीक दोपहरी के समय राग दीपक, श्री राग चौथे पहर जब शाम ढल रही हो, मेघराज तभी बलो जब है मेघ बरसाए, और मेघ राग जब बरसात हो रही हो उस समय। फागुन में सभी राग गाए जा सकते हैं, हिंडोल आदि भी बसंत में। तो जो फॉर्मल तरीके से रागों का बोध रखते हैं वो देखते हैं कौन सा स्वर चल रहा है। राग भैरवी, राग हिंडोल, राग दीप, राग दीपक आदि अगर आप गाते हैं तो दहना स्वर चलना चाहिए। ये सूर्य नाड़ी है, बायां स्वर चंद्र नाड़ी है। इसमें राग मलकोस, राग इंडोल आदि ये राग जमे, राग श्री ये जमते हैं। जानकार लोग इसी तरह से, और जब शुष्मना नाड़ी खुलती है मध्य की, कोई भी राग गाया जा सकता है। जैसे बसंत में कोई भी, बसंत ऋतु में छह रागों में कोई भी राग उठाइए चलेगा। जब भी शुष्मना नाड़ी मध्य की नाड़ी खुलती है कोई भी राग गाइए। कभी कभी आप देखते हैं आदमी की गाने की बड़ी इच्छा होती है, गुनगुनाने लगता है, ये शुष्मना नाड़ी खुलने के साथ में राग गुनगुनाने की इच्छा होती है। तो बंधु इसी प्रकार से चार उपवेद हैं, आयुर्वेद, धनुर्वेद और गंधर्व वेद, अर्थवेद, जिसमें पूरे व्यवसाय का डिटेल है। जैसे आजकल लोग बिजनेस के कोर्स कर रहे हैं, उसमें पूरे क्लाइमेट से संबंधित सभी चीज़ें दी हुई है। तो उस समय गुरु पद्धति ये थी, सांख्य योग में सभी पंच मुद्राओं का महात्म है, चाचरी, अगोचरी, भूचरी, उन्मुनी और खेचरी। ये मुद्राएं कैसे लगाई जाए, कंसंट्रेशन का क्या सिद्धांत है, नाड़ियों को किस प्रकार से खोला जाए, पवन को किस प्रकार से घुमाया जाए, फॉर्मल तरीका है उसमें। सांख्य योग में रचयिता कपिल मुनि, ये वही कपिल मुनि है जिन्होंने योग शक्ति से क्रोध में आंखें खोल करके राजा सागर के 60,000 पुत्रों को भस्म किया था। उन्हीं के कल्याण के लिए भागीरथी ने घोर तप करके गंगा जी को लाया था। इस प्रकार से उस युग में
गुरु परंपरा थी, गुरुजन योग की क्रियाएं बताते थे, किस नाड़ी में कौन सी वायु का वास है, प्राण वायु कहां पर है, जीवन का संचालन किस सिस्टम से हो रहा है, इंडा पिंगला कैसे लय करनी है, ये योग के आयाम है। वो गुरुओं को बताते, शिष्यों को बताते थे कि आप साधन कैसे करें, इसकी विधि क्या है। आप देखते हैं तमाम दवाएं लोग मोटे तौर पर जानते हैं किस रोग की कौन सी दवा है, पर दवाओं पर एक इंस्ट्रक्शन है, डोंट यूज बिफोर एडवाइस ऑफ द डॉक्टर। डॉक्टर की परामर्श के बिना किसी भी दवा का प्रयोग न करें। उसमें एक हिदायत है, इस तरह योग में भी हिदायत है, चाहे वो प्राणायाम योग हो या खेसरी मुद्रा का योग हो, चाचरी का हो, शब्द सुरत अभ्यास हो, कोई भी योग की क्रिया बिना दर्शक और फॉर्मल तरीके के न करें। इसी तरह स्थूल योग, शारीरिक योग, नाड़ियों का योग, वो भी एक परिपक्व मार्गदर्शक के सानिध्य में योग किया जाए। आइए हम देखते हैं, उस युग में गुरु का यही महात्म होता था कि शिष्य को गुरु विधियां बताते थे। गुरु का महात्म एक दर्शक की तरह था, गुरु शिष्य को ध्यान क्रिया बताते थे कि तुम्हें स्वयं गुरु साधना करनी है। इसलिए उस युग में गुरु का महात्म इतना बहुत विशाल नहीं था। कभी कभी इसके प्रमाण मिल रहे हैं, शिष्य लोग गुरु से भी ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाते थे ध्यान में, योग में। उदाहरण के लिए गोरखनाथ जी के गुरु थे मच्छंदर नाथ जी, गोरखनाथ की सिद्धियां मच्छंदर नाथ जी से भी ज़्यादा थी। इसलिए उसमें क्रिया योग का महात्म था, कृत शिष्य को करना था। इसलिए उन युगों में गुरु का महात्म गौण था, ज़्यादा विशिष्ट नहीं था, चाहे वो धनुर्विद्या है, चाहे पठन विद्या है, चाहे योग विद्या है, इसके लिए गुरु लोग थे। उदाहरण के लिए कौरव पांडव द्रोणाचार्य से ही शस्त्र विद्या सीखे थे, भीष्म आदि परशुराम जी से, राम लक्ष्मण आदि विश्वमित्र से, वो धनुर्वेद के ज्ञाता थे। शस्त्रास्त्रों का प्रयोग कैसे किया जाए, और राम जी ने अध्यात्म के लिए फिर वशिष्ठ मुनि को गुरु किया था, उनके आध्यात्मिक गुरु थे वशिष्ठ मुनि, और धनुर्विद्या के गुरु थे विश्वमित्र। इस तरह ये विद्याएं दी जाती थी। आगे हम इस युग में सरगुण भक्ति का महात्म है, अधिक लोग सरगुण भक्ति कर रहे हैं, इसमें भी गुरु का एक महत्व है। गुरु वेदों का ज्ञाता होता है, शिष्य को कृताकृत बताता है, कर्म अकर्म बताता है, और उपासना पद्धति बता रहा है, तीर्थ करो, दान करो, पुण्य करो, और किसकी उपासना करना है ये बताता है। क्या स्टैंडर्ड है गुरु का,
अगर हम आदिकाल की तरफ चलते हैं तो वो गुरु लोग ग्रस्त थे, चाहे गौतम ऋषि थे, चाहे कपिल मुनि थे, चाहे दुर्वासा जी थे, चाहे वशिष्ठ मुनि थे, उनकी पत्नी थी अरुंधति, यानी ग्रस्त आश्रम में ही रहकर वो लोग परांगत हो जाते थे, वो पद्धति देते थे, उनका क्षेत्र केवल वो ही होता था। वर्तमान में इसका मतलब ये था, तब अध्यात्मवाद नहीं था, नहीं तब एक चीज का बहुत महत्व था, जो भी योगिक क्रियाएं थी पंच मुद्राओं के इर्द गिर्द थी, खेचरी, भूचरी, चाचरी, उन्मुनी, अगोचरी। अब आपको निर्णय करना है आप कौन सी मुद्रा में योग करना चाहते हैं, उस गुरु के पास जाना है। उदाहरणार्थ अगोचरी मुद्रा के एक्सपर्ट थे सुखदेव जी, भूचरी मुद्रा के एक्सपर्ट थे वेदव्यास जी, उन्मुनी मुद्रा के एक्सपर्ट थे जनक जी, चाश्री मुद्रा के एक्सपर्ट थे गोरखनाथ जी, खेसरी के एक्सपर्ट थे शिव जी। किस मुद्रा से उन्होंने योग करना है वो फिर उस गुरु के पास जाते थे। जैसे आप देखते हैं बच्चे ट्यूशन करते हैं, पढ़ते हैं तो मैथ पढ़ते हैं तो उनके उसके लिए मैथ का प्रोफेसर लेक्चरर या टीचर, कॉमर्स तो उसके लिए अलग अलग है। इस तरह ये चीज़ें थी। गुरु का महात्म ये था कि वो शिष्य को आयाम बताता था, उपक्रम बताता था, कैसे आपने ध्यान करना है। वर्तमान पद्धति में जो उपासना पद्धति चल रही है इसमें सर्गुणवाद हैं और निर्गुणवाद भी हैं, और एक और पद्धति है दोनों को मिला करके खिचड़ी। खिचड़ी पद्धति में क्या है, आज एक को माना कल दूसरे को माना, थोड़ी संत मत की बात भी की, कभी कहीं चले गए कभी कहीं चले गए, ऐसे लोग कहते हैं हम सबको मानते हैं, बंधन रहित भक्ति करते हैं। और पंच मुद्राओं पर भी पंथ हैं कुछ जो कह रहे हैं, विडंबना यह है कि योग के लिए ब्रह्मचर्य की आवश्यकता पड़ती थी, वो आजकल नियम ही बदल गया। अरे भाई एक आदमी कमीज पहना है पुलिस वाले की, पैंट पहना है फौजी, तो वो न तो फौजी है न तो वो पुलिस वाला है। इस तरह नाना मत मतांतरों में मिक्सिंग पद्धति भी चल रही है, ग्राहक खाली नहीं जाए, सरगुण वाला भी आ जाओ निर्गुण वाला भी आ जाओ, किसी को भी मानते हो पहुंच जाओ, सिद्धांत नहीं रह गया। सरगुण भक्ति के अंदर एक नियम था, नियम है देवोपासना, हम सरगुण भक्ति का खंडन नहीं कर रहे। क्या देता है गुरु, गुरु का अपना स्तर क्या है हमें जानना है, गुरु की अपनी लेवल कहाँ है ये जानना है। अगर आपको पीएचडी करना है तो यूनिवर्सिटी से ही कंसर्न होना पड़ेगा, मिडिल स्कूल में बैठकर पीएचडी नहीं हो सकती है। इस तरह गुरु की अपनी औकात क्या है, पहुंच क्या है। सरगुण भक्ति में देख रहे हैं तो मुख्य रूप से तीन धाराएं हैं, शैव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय और देवी संप्रदाय। इसमें जो वैष्णव संप्रदाय के लोग हैं वो शुद्ध शाकाहारी हैं, मांस मदिरा का सेवन कतई नहीं करते हैं, खान पान बहुत उत्तम है, भोजन बनाते हैं तो लकड़ी भी धोते हैं, कोई जीव हत्या नहीं होने पाए। शैव संप्रदाय की पद्धतियाँ अलग हैं, इस प्रकार कुछ आदिशक्ति को मानते हैं वो लोग गुरु, उन शास्त्रों का अध्ययन किए हैं उसके अनुसार वो बताते हैं
कि शिव उपासना की पद्धति क्या है, वो गुरु लोग मोस्टली गृहस्थ आश्रम में रहने वाले होते हैं, शास्त्रों पर उपासना पद्धतियों पर आधारित होते हैं, शिष्य को कर्म शुभ कर्म बताते हैं, तीर्थ आदि मूर्ति उपासना नवदा आदि ये बताते हैं, अर्थात उसमें गुरु की भूमिका विशेष नहीं है। गुरु ने एक शास्त्र दिया, इसका अध्ययन करना, तीर्थ करना, दान पुण्य करना, शुभ कर्म करना, स्वर्ग आदि लोक पितर आदि लोगों को प्राप्त हो जाओगे, अगर पाप कर्म किए तो नरक आदि की प्राप्ति हो जाएगी। इस तरह से सर्वगुण उपासना को भी खराब नहीं कर रहे हैं, पर इसमें गुरु का बहुत ज़्यादा महात्म नहीं है, और ये हम सब देख भी रहे हैं। लोग कुल गुरुओं की झड़ी है लगे हैं, साल छः महीने में कभी मौका मिला तो गुरु के दर्शन भी कर लिए और थोड़ी बहुत भेंट भी दे दी। गुरु भी स्वयं बाल बच्चे घर परिवार आदि में लगा हुआ है, जैसे आपके बच्चे हैं परिवार हैं वैसे गुरु का भी है। आखिर गुरु ने क्या दिया, आपको कर्म के आधीन किया, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल तुम्हें प्राप्त होगा। ये दो गुरुपद की पद्धतियां थी। उसके बाद साहेब आए, साहेब ने गुरु पद्धति में एक बहुत बड़ा उत्थान लाया किया, बहुत बड़ी महिमा कही, ऐसी महिमा गुरुत्व की पहले नहीं मिलती है, बहुत ऊंचा आयाम दिया गुरु को। ये कौन दिया, साहेब ने। संत काल कब से प्रारंभ हुआ, साहेब से। पहले वेद काल था, बाकी चीजें थी, लेकिन संतत्व की धारा शुरू हुई साहेब से। आखिर गुरु के लिए क्या कहा, बहुत ऊंचा दर्जा दिया। इस ऊंचे दर्जे को दुनिया नहीं समझ पाई, लेकिन जो सर्वगुण भक्ति करने वाले गुरु हैं वो भी साहेब के यही दोहे बोल रहे हैं, जो निर्गुण वाले हैं वो भी यही बोल रहे हैं, फिर खिचड़ी हो गई। लेकिन नहीं, यहां गुरु की भूमिका बहुत ज्यादा है। इसमें गुरु का रोल क्या है, अध्यात्म और परा में सत्य भक्ति में गुरु की भूमिका क्या है, बड़ी ऊंची भूमिका है गुरु की। इसमें गुरु कर्म नहीं बताता है, इसमें योग साधना का महत्व नहीं, तो क्या इसको नकारा जाता है, नहीं, वो गुण है, विशेष नहीं। इसमें गुरु क्या, गुरु तुम्हें पार कर देगा। वाह भाई वाह। एक जमाना था, लोग कपड़े इस्त्री करते थे, प्रेस करते थे, कोयले जलाते थे, ये प्रक्रिया बड़ी लंबी थी, थकाऊ थी, कभी कभी ओवरहीट हो जाती थी प्रेस, कपड़े जल जाते थे, काफी धुआं होता था, खर्चीला था, टाइम जाया होता था। उसके बाद इलेक्ट्रिक मशीनें चली, उनमें भी प्रॉब्लम आ गई, वो भी ओवरहीट हो जाती थी। अभी वैज्ञानिकों ने ऑटोकट मशीनें बना दी कि रिक्वायर्ड टेम्परेचर वो मेंटेन करती है, ओवर लेती नहीं है। देखा, ये पद्धति हुई।
मेरा साहिब जग में महान है। तेरे चरणों में मेरी जान है, मेरा साहिब सत्य समान है। मैं बंदगी साहिब की करूं, मेरा साहिब ही भगवान है। साहिब जग में महान है। साहिब बंदगी साहिब, 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 मेरा साहिब। एक जमाना था, लोग कपड़े इस्त्री करते थे, प्रेस करते थे, कोयले जलाते थे। ये प्रक्रिया बड़ी लंबी थी, थकाऊ थी, कभी कभी ओवरहीट हो जाती थी प्रेस, कपड़े जल जाते थे, काफ़ी धुआं होता था, खर्चीला था, टाइम जाया होता था। उसके बाद इलेक्ट्रिक मशीनें चली, उनमें भी प्रॉब्लम आ गई, वो भी ओवरहीट हो जाती थी। अभी वैज्ञानिकों ने ऑटोकट मशीनें बना दी कि रिक्वायर्ड टेम्परेचर वो मेंटेन्स करती है, ओवर लेती नहीं है। देखा, ये पद्धति हुई। इसी तरह साहब ने आकर एक गुरुत्व को नया आयाम दिया, गुरु पार कर देगा। वाह भाई वाह, पहले ऐसा नहीं था, पहले गुरु पार नहीं करता था। हाँ, तब ये तो तभी भी कहा जाता था गुरु के बिना पार नहीं होंगे, ये तो तब भी कहा जा रहा था। लेकिन उसमें यूं था, जब तक गुरु की प्रॉपर गाइडिंग में नहीं चलोगे, उस पद्धति से ध्यान भजन नहीं करोगे, तब तक दुनिया से पार नहीं हो पाएंगे, ये था। लेकिन साहब ने कहा तुम्हें सदगुरु पार कर देगा। वाह भाई, कैसे? इसका मतलब है कृपा योग के ऊपर आ गए हम। ये सब साधन से ना होई, तुम्हारी कृपा पाए कोई कोई, अदा कर खुद खजाने से, छुड़ा ले अपने बंदे को। ना कुछ किया ना कर सका, ना करने योग शरीर, जो कुछ किया सो साहेब किया, भयो कबीर कबीर। गुरु के पास एक सिस्टम होगा, वो तुम्हें पार कर देगा। देखो भाई, हर चीज विकास करती है। राइट ब्रदर्स ने जब पहले प्लेन बनाया था, बहुत बड़ी उपलब्धि की थी। आप माने कि लकड़ी का हवाई जहाज बनाया था उसकी बॉडी, कई बार गिरे, पहले 250 मीटर ही उन्होंने उड़ान भरी थी। धीरे धीरे ये पद्धति विकसित होती गई। अभी 5 एक प्लेन बनाया, एक दो साल में वो स्टार्ट होगा, जिसमें एट ए टाइम 5,000 लोग यात्रा करेंगे। रेलगाड़ी के अंदर 5,000 लोग यात्रा नहीं करते हैं, जितने लोग रेलगाड़ी में बैठते हैं इससे भी अधिक लोग एक विमान लेकर चलेगा। उसकी रफ्तार भी बहुत तेज होगी, करीब 30,000 किलोमीटर फी ओवर। जो लंदन से इंडिया में सिर्फ 3.5 घंटे में आएगा। एक ट्रेन के अंदर मोस्टली 20 बोगियां होती है, एक बोगी में 720 आदमी, 72 आदमी होते हैं, 1440 आदमी एक ट्रेन में सफर करते हैं। यानी वो हवाई जहाज 5 रेलगाड़ियों का
सामान ढो करके चलेगा। देखा पद्धति बढ़ गई, विकसित हुई। इसी तरह वैज्ञानिकों ने और आगे किया, अंतरिक्ष में यान भेजे जिनकी रफ्तार 80-80 हजार किलोमीटर फी आवर है, बहुत स्पीड में चलते हैं, एक सेकंड में 1 माइल तय कर लेते हैं, इतने तीव्रगामी। इसी तरह अध्यात्म में भी विकास हुआ। साहब ने आकर एक सबसे हटकर पद्धति दुनिया को दी। साहब का विरोध हुआ घोर। उन्होंने क्या दिया दुनिया को? कहा एक सदगुरु तुम्हें पार कर देगा, तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, तुमसे कुछ नहीं होगा। आधार इस ब्रह्मांड के अंदर जितने भी लोग हैं वो एक शैतानी ताकत के हाथ में है। जितनी भी उपासना पद्धतियां हैं वो सब उसी दायरे के अंदर की है। सभी काल निरंजन तक के दायरे के अंदर है। जितने भी संसार के धर्म है निराकार निरंजन तक की बात कर रहे हैं। गण गंधर्व ऋषि मुनि और देवा ये सब कर रहे हैं काल की सेवा। पीर पैगंबर कुतुब औलिया काल निरंजन सबको दलिया। सिद्ध साधक और जोगी जत्ती मन को खोज न पाए रत्ती। जाए निरंजन माए समाए आगे का कोई भेद न पाए। साहब क्या बोल रहे हैं ध्यान दो थोड़ा। त्रिकाल के अंदर जितने भी ऋषि मुनि पीर पैगंबर तपस्वी सिद्ध साधक औलिया अवतार आदि हुए इसी निराकार निरंजन इसी ब्रह्मांड के अंदर ही रहे, 3 लोक के अंदर ही रहे। उस ताकत ने इस आत्मा को 3 लोक से बाहर निकलने नहीं दिया। साहब ने आकर यूं कहा कि आत्मा को 3 लोक से बाहर निकलने नहीं दिया। 4 मुक्तियां उसी के दायरे में है, सामीप्य सालोक्य सारूप्य सायुज्य। साहब ने आकर ये कहा इन 4 मुक्तियों की प्राप्ति के बाद भी तुम मौत के दायरे से बाहर नहीं जा सकते हो। पुनर्जन्म विद्यते, दोबारा तुम्हारा जन्म होगा। तुम एक क्रूर ताकत के हाथ में हो। मैं इसे वैज्ञानिक तरीके से भी सिद्ध करूंगा कि हम सब एक शैतानी ताकत के हाथ में हैं। सयाद के काबू में हैं सब जीव बिचारे। यक लोक व यक वेद दो दरिया के किनारे। सयाद के काबू में हैं सब जीव बिचारे। मेरे कुछ तर्क हैं, आप उस पर चिंतन करो। हम संसार के अंदर बड़े बड़े हादसे देख रहे हैं। कभी कभी रेलगाड़ियां गिर जाती है, हवाई जहाज गिर जाते हैं, वो दुनिया का रखवाला, इसमें किसी का सहयोग नहीं कर रहा है। केरला में एक ट्रेन समुद्र में गिर गई थी 7-8 साल पहले, 1,000-1,200 आदमी मर गए। उस रक्षक का काम था ना कि बचाना, पर ये दुनिया एक क्रूर ताकत के हाथ में है। अगर हम शरीर की संरचना भी देखते हैं, ब्रह्मांड की स्थिति को भी देखते हैं, तो एक अनिश्चित खतरनाक ताकत के हाथ में सब जीव है। साहब ने आकर ये बात बोलकर हलचल मचा दी। हम सबकी मानसिकता ये है जो एक साथ कई आदमियों को खत्म कर सकता है, हम उसको भगवान मानते हैं। हमने कभी नहीं सोचा
एक आदमी अगर अपने बच्चे को मारता है हम उसे हत्यारा बोलते हैं, जो कई को एक साथ काट के फेंक दिया हम उसको कहते हैं भगवान है। हम सबकी मानसिकता यही है ना। सुनिए, संतो आवे जाए सोमाया, साहब कह रहे हैं ये परमात्मा नहीं है। क्या कह रहे हैं? नहीं प्रतिपाल काल, नहीं वाके, नहीं कहीं गया ना आया। कहा मकसूदन मच्छ कच्छ हो ना संखासुर संघारा। दस अवतार पर साहेब बात बोल रहे हैं, वो न मच्छ अवतार लिया न कच्छ लिया है। दयाल द्रोह नहीं वाके, कहो कौन को मारा। वो किसी को भी नहीं मारा प्रभु, वो कृपाल है। वह करता नहीं बराह कहे धनी धरे न भारा। वो परम पुरुष बराह अवतार भी नहीं लिया है। खम्भ फोड़ जो बाहर हुई ताहे पति जे सब कोई। खम्भा फोड़कर नरसिंह रूप में जो बाहर आकर हरनाकश का उधर बिदारा, सो करता नहीं हुई। बोला वो परमात्मा नहीं था। साहित्यकारों ने भी समाज को काफी भ्रमित किया। आप देखें साहेब अपनी जीवनी में कह रहे कभी ब्याह ही नहीं किया है। सच में वो शरीर ही नहीं थे। शरीर छोड़ने के टाइम पर वो सिद्ध करके गए कि मैं बॉडी नहीं हूं। जब मगहर में साहेब शरीर छोड़ने गए तो हिंदू मुस्लिम सब कटे हुए। राजा वीर सिंह बघेल भी आया, बिजली खान पठान भी आया। राजा वीर सिंह बघेल ने अपने मंत्री से कहा, जैसे साहेब शरीर छोड़ता है इनका पार्थिव शरीर लेकर के काशी चलना, हिंदू रस्म के अनुसार उनका संस्कार करेंगे। वीर सिंह बघेल, बिजली खान पठान ने कहा, देखो भाई वीर सिंह, राजा वीर सिंह, हम दोनों गुरु भाई हैं, हमें नहीं लड़ना है। कबीर साहब का अवतरण काशी में हुआ, वहीं रहे, मैंने भी दीक्षा ली वहीं, वो आपका राज्य है। पर अभी अपनी इच्छा से ये मगहर अवध में आए हैं, वहाँ का नवाब मैं हूँ राजा, अभी मेरा अधिकार बनता है। वीर सिंह ने कहा, अगर इस्लाम के अनुसार कबीर साहब का संस्कार करोगे तो उनकी शिक्षा दब जाएगी, क्योंकि इसमें मांस वर्जित है साहब की शिक्षा में, इसलिए मुझे हिंदू रस्म के अनुसार इनका संस्कार करने दो। बात नहीं बनी, दोनों तरफ से तलवारें खींच गई, युद्ध के लिए प्रस्तुत हुए। इतने में बड़ा कौतुक हुआ, आकाशवाणी हुई, अद्भुत प्रकाश हुआ, उठाओ पर्दा, नहीं है मुर्दा, अरे मूर्ख नादाना, तुमने हमें नहीं पहचाना। जब पर्दा उठाया गया तो कमल के फूल मिले, पार्थिव शरीर नहीं मिला, मांस का लोथड़ा नहीं मिला, हड्डियां नहीं मिली, चर्म नहीं मिला। वो ये सिद्ध करके गए कि मैं बॉडी नहीं हूँ, ऐसा प्रमाण और कहीं नहीं मिलता। ये सब काम उन्होंने लाखों लोगों के सामने अंजाम किया, ये दर्शाया उनके भजन में है। संतो अभिगत से चलाया, कोई भेद बरम ना पाया, ना हम रहले गर्भवास में बालक हो दिखलाया, काशी तख्त सरोवर ऊपर तहाँ जुलाहा पाया, ना हमारे गृही दासी, ना हमारे मात पिता, ना गृही दासी, नीरू के घर नाम धराया, जग में हो गई हाँसी। काशी में मैं प्रकट भया, रामानंद पर दया, कहत कबीर सुनो भाई साधो हंस चितावन आया, कोई भेद बरम ना पाया। कक्का केवल नाम है, बब्बा वरण शरीर, रर्रा सब में रम रहा तिसका नाम कबीर। आदि शब्द भी ये इतला दे रहे हैं कि मात गर्भ में आए ही नहीं। लेकिन देखो साहित्यकारों ने कैसे भ्रमित कर दिया समाज को कि कबीर एक जुलाहा था, उसकी एक स्त्री थी लोई, उसके दो बच्चे थे कमाल और कमाली। सत्य क्या है? कमाली तो शेख तकी की बेटी थी। जब शेख तकी की गोष्ठी हुई साहेब से, शेख तकी ने साहेब से कहा, मेरी एक बेटी है कमाली, मेरी बेटी, उसको मरे 7 दिन हो गए कब्र में, अगर तुम खुदा के रूप हो इनको जिंदा करो। साहेब कब्र पर गए, वहां जाकर कहा उठ तकी की बेटी, वो नहीं उठी कब्र से। फिर कहा उठ तकी की बेटी, वो नहीं उठी। साहब ने कहा उठ कबीर की बेटी, तो उठ के खड़ी हुई। शेख तक की बेटी को जिंदा देखकर खुश हुआ, हाथ पकड़ा, अपने साथ ले जाना चाहता था। लड़की ने कहा, नहीं पिताजी, मैं आपके नाम से नहीं उठी हूँ, कबीर के नाम से उठी हूँ, इसलिए मैं कबीर की बेटी कहलाऊंगी। वाह भाई वाह। लोई किसको कहते हैं? भक्ति को कहते हैं।
सुनिए, और कमाल कहां से आया? एक सड़ी गली का लाश गंगा जी में बहती हुई जा रही थी। तकी ने कहा इसको जिंदा कर। साहब ने कहा उठ, कुदरत के कमाल से। जब वो बालक उठ खड़ा हुआ, तकी ने कहा हाँ कमाल, तो सब ने कहा ठीक है इसका नाम भी कमाल होगा। साहब ने शादी तो नहीं की। आखिर साहब को ग्रस्त क्यों दिखाया? इसमें उनके हितों हित थे। पाखंडी तबके ने सोचा कि अगर कबीर को लांछित करो किसी न किसी तरह, नीच ठहराओ, नाजायज संतान ठहराओ, कुछ ना कुछ कहो, नहीं तो लोगों का डाइवर्शन कबीर की तरफ होगा, हमारा कार्य पूरा बंद हो जाएगा। और कबीर साहब की शिक्षा हमारे कार्य को प्रहार करती है, इसलिए ये चीजें दिखाई। बदस्तूर ये पढ़ाया जाता है। कबीर एक जुलाहा था, कबीर एक मुसलमान था, उसकी एक स्त्री थी लोई, उसके दो बच्चे थे। ये बेसिक शिक्षा में सबको पढ़ाया जा रहा है। देखा साहित्यकारों ने कैसे भ्रमित किया समाज को, ठीक है? इसमें प्लान साजिश थी। उदाहरण लो, मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, शादी नहीं की मैंने। एक दिन मेरे शिष्यों ने आकर बताया गुरुजी चारों तरफ ये अल्लाह है कि मधु परमहंस की दो बीबियां हैं, एक है अमेरिका में, एक है इंग्लैंड में, अभी तक मैं गया ही नहीं हुआ। इनके दो बच्चे हैं, एक इंजीनियरिंग कर रहा है और लड़की डॉक्टरी कर रही है। मैं कहा वाह, शेख चिल्ली की तरह काल्पनिक कल्पनाएं कितनी बनाते हैं। उन्होंने चारों तरफ, पाखंडियों ने ये फैलाया, पब्लिक ये जानने लगी सही में मेरी दो शादी हैं। देख लिया, ये एक हमला। इस तरह साहेब प्रमाणित करके अध्यात्म की शिक्षा दे रहे थे। खंडन किया, जिन गुरुओं के इर्द गिर्द तुम घूम रहे हो तुम्हें डुबाएंगे, तुम आओ मेरे पास। जाका गुरु हैं ग्रही, चेला ग्रही होए, कीच कीच के धोवते मैल न जाए कोए। अंधे को अंधा मिले तो राह बतावे कौन, बंदे को बंदा मिले तो गांठ छुड़ावे कौन। साहेब ने साफ साफ कहा ग्रस्त गुरु नहीं करना, और जितने भी गुरु तक की पद्धतियां प्रचलित थी वो सब ग्रस्त गुरु थे, इसी के माध्यम से वो अपना परिवार का संचालन कर रहे थे। तो कबीर जी साहेब की वाणी उनको हमला कर रही थी, इसलिए उन्होंने अछूत करके इसको सुनना ही नहीं। जहां से आया जाहिल था, जहां से आया जो कुछ कहा पक्के गया। कबीर एक सरफरा आदमी था, उसके पीछे कहां लग रहे हो? वह बड़ी विडंबना है। आज देखो सरगुण वाले भी साहेब के दोहे लेके चल रहे हैं, ये कैसी विडंबना है। निर्गुण वाले भी लेकर चल रहे हैं, सभी लेकर के चल रहे हैं, और कबीर त्याज्य भी है, ग्रहण भी नहीं किया जा सकता। मैं देख रहा हूँ नाना पंथों की चोरी। मैं एक किताब लिख रहा था भक्ति के चोर, मैं सोचा बड़ा भूचाल मच जाएगा, उसमें मैं ये लिख रहा था किस किस पंथ ने साहेब की आइडियोलॉजी चुरा कर घुमा फिरा करके उसको रीमेक कैसे किया है, ये पूरी पोल खोल रहा था मैं। मैं कहा नहीं, किताब लिखूंगा, मैं जब चला जाऊंगा दुनिया से उसके बाद उसको प्रकाशित कराना है, पहले नहीं। संगी।